दोस्तों इस समय हमारे साथ मौजूद है सचिन तेंदुलकर। आपने ठीक सुना, सचिन तेंदुलकर के बॉडी डबल बलवीर चंद हमारे साथ मौजूद है, जो कि सीरियल हो मूवी हो उसमें सचिन तेंदुलकर रोल निभाते हैं, और इनसे हम सीधा मुलाकात करते हैं। ये आज आए हैं वसई विरार म्युनिसिपल मैराथन में। बलवीर चंद जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, आज आप यहाँ पे वसई विरार म्युनिसिपल मैराथन में आए हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही खुशी, क्योंकि मैंने देखा, मैं लोगों का अट्रैक्शन ज़्यादा मैंने अपने ऊपर भी देखा कि लोग मुझे देखकर इतने खुश थे। मुझे इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है। और मैराथन में हम जैसे सचिन लुक लाइक को तो आना ही चाहिए था, क्योंकि स्पोर्ट्स का ये सब। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि पीछे जो कंटिन्यू 2010 से 2019 तक कंटिन्यू रहा मैराथन, और मैं उसके बाद ये कोविड आया, कोविड के बाद 2 साल ये नहीं हो पाया, लेकिन अभी जो उन्होंने फिर दोबारा से 10 पूरा किया है, तो मैं नगर पालिका को बधाई देता हूं। और ऐसे वो कराते ही हैं और बच्चों को इसमें उत्साह बढ़ता है, तो बच्चों को और घर पे भी जाकर प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। सर मैराथन की बात हुई जी, अभी आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप क्या, आपका प्रोफेशन है, आपका लुक सचिन जैसा है बराबर वो दिखाई दे रहा है, लेकिन आप एक्चुअली वर्क क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? मैं 89 में जब सचिन आए थे तो 90 में मुझे लोगों ने सचिन कहना शुरू कर दिया था, लेकिन जब मैं 99 में दिल्ली फिरोजशाह कोटला में मैच देखने गया तो मेरे ऊपर कैमरा लगा था, तो सुनील गोस्के जी ने मुझे कमेंट्री बॉक्स में देख लिया था, तो बोले सचिन तो ग्राउंड में खेल रहे, पवेलियन में कैसे चल गए? फिर कैमरा लगा, बोले ये तो सचिन नहीं है, इसको कमेंट्री बॉक्स में लेकर आओ। जैसे वो कमेंट्री बॉक्स में लेकर गए तो मुझे दिखाया, टीवी पे मैं दिख रहा हूँ, तो मुझे पता तो चल गया इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इसलिए मैं बहुत पूरी दुनिया देख रही है, बहुत फेमस हो रहा हूँ। लेकिन उसके बाद मेरे हीरो मैजिस्ट्रियम ने इंग्लैंड वर्ल्ड कप में भेजा, फिर 99 में इंग्लैंड वर्ल्ड कप था, तो मैं इंग्लैंड वर्ल्ड कप के बाद सीधा मुंबई आया। मुंबई आके मैंने मुंबई में बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत की, तो मुझे एक चीज़ का जरूर पता चला था कि चेहरे के साथ कला का होना बहुत जरूरी है, अकेला चेहरा भी काम नहीं आएगा। तो मैं ऐसा ऐसा लिखना शुरू किया, मैं अभी गा भी लेता हूँ, इलेक्शनों में भाषण भी कर लेता हूँ, और थोड़ा कॉमेडी भी कर लेता हूँ, सचिन जी आवाज़ में लोगों को थोड़ा हंसा भी लेता हूँ, तो ऐसे करके एंटरटेनमेंट करते करते मुझे भी काम मिलना शुरू हुआ। फिर मैंने मतलब ये है कि सचिन जैसे चेहरे से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सचिन होने का आपको फायदा तो डेफिनेटली बहुत बार मिला होगा, लेकिन कभी ऐसा मौका है कि सचिन होने का आपको कुछ नुकसान हुआ? हाँ, ये बात पहले मुझे मीडिया वाले पूछते थे, ऐसा हुआ था जब मैं पहली बार मैच देखने जाता था तो लोग कपड़े खींच के पार देते फोटो लेने के लिए, इतने उतावले होते थे, कभी इधर खींच कभी कपड़े फट जाते थे। मैं खुद सोचता था यार मैं कौन हूँ, ये कौन सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा, क्योंकि मैं कभी मैच नहीं देखता था स्टार्टिंग में। इस समय हमारे साथ थे मौजूद फिल्म स्टार सुदेश बेरी जी, उनसे बात करते हैं, उनको यहाँ के कैसा महसूस हो रहा है और चलते हैं। सुदेश सर वेलकम वसई विरार में, आपका बहुत बहुत वेलकम। आज आपको यहाँ के कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इन मैराथन प्रतियोगिता के बारे में? यहाँ आके मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर इंसान को अपनी जिंदगी की बैटरियाँ चार्ज करनी हो तो इस तरह की चीज़ों में आना चाहिए, इतनी एनकरेजमेंट, इतनी अच्छी, इतनी ऊर्जा आ जाती है इंसान के अंदर कि तब इंसान को वो मुहावरा बिल्कुल सटीक बैठता है कि चलना है, चलना ही जिंदगी और रोकना है मौत तेरी। तो मोमेंट जो है वही लाइफ होती है, जब इनको देखते हैं उसके अंदर बच्चे भी हैं, मोटे भी हैं, पतले भी हैं, काले भी हैं, पीले भी हैं, नीले भी हैं, सब है उसके अंदर, सारे दौड़ रहे हैं। तो जो दौड़ रहे हैं वो मैं ये सोचता हूँ कि मैं क्यों नहीं दौड़ रहा, ये क्यों दौड़ रहे हैं, तो वो जो हैं वो कुछ पा रहे हैं। जब अभी कोरोना काल आया तब लोगों ने कहा ना कि जब जो आदमी जो मूवमेंट करेगा, कैलोरी बर्न करेगा, वो उसका पासपोर्ट बनेगा। अच्छा, तो ये पासपोर्ट एक जो नया लॉन्च हुआ है हमारी पूरी दुनिया के अंदर, पूरी पृथ्वी के ऊपर, ये पासपोर्ट मैं पहले से बना रहा हूँ, मेरा बना हुआ पहले से पासपोर्ट, इसीलिए लोग मुझे कहते हैं अरे यार सुदेश जी इतने साल हो गए आप इतने मेंटेन हैं, तो आप तो बदले ही नहीं। तो मैं उनको कहता हूँ इंसान मौसम बदला करते हैं, इंसान नहीं बदला करते।
तो जब इंसान को देखता हूँ 10 साल के बाद मोटा हो गया, वो उसके गाल निकल आए, उसके डबल चिन निकल आया, ये निकला, तो फिर मैं सोचता हूँ कि जो आदमी ज़्यादा दुनिया के अंदर जो मोटिव होती है वो खाने से होती है, भूख से नहीं होती है, खाने से होती है। तो जितनी जो आप गलत चीज़ों की कॉम्बिनेशन खाओगे, गलत चीज़ों की कॉम्बिनेशन सोचोगे और ऐसी चीज़ें नहीं करोगे तो फिर वो आपको नुकसान होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जो मेरी फीलिंग जो है वो यहाँ आके सारी बिल्कुल फिट बैठ जाती है कि नहीं भरी। वो जो पासपोर्ट है वो आपने जो बनाया था इम्यून सिस्टम का जो पासपोर्ट है वो पासपोर्ट अभी वैलिड हुआ है, अब जाके वैलिड हुआ है। जब लोगों ने कहा ओ कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, करोना, मैं तो बहुत सालों से कोरोना के जूते पहनता, मैं तो बहुत सालों से, अभी मजाक के तौर पर ये भी हम कह सकते हैं कि कोरोना की बियर भी आती है। तो लोग कहते हैं आप कोरोना के जूते पहनते हैं, कोरोना बियर पीते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो भी बियर कोई भी चीज़ होती है ना, जो भी आदमी दवाई पीता है। जब हम बच्चे थे ना छोटे, तो माँ क्या करती थी बच्चों को, छोटा अफीम फीम मतलब फीम फीम सुंगा के बच्चे ने सुंगा के आई है, मतलब बच्चा उन 3 घंटे सोता रहेगा। अब सोचो छोटा सा, एक छोटा सा मात्र जो है उनको वो चीज़ गलत है। सांप का जहर है, सांप का जहर किससे मरता है? सांप के जहर को मारने के लिए, सांप के जहर से ही उसका एनेक्डोट बनता है। तो ये ऐसी ये जो चीज़ है ये हाँ वेरी गुड। तो बस ये मिलता है कि सुरेश बेरी आप जो कोरोना का जो इम्यून सिस्टम का पासपोर्ट बना रहे थे वो पासपोर्ट आपका बिल्कुल फिट है। अब जाके लोगों को समझ में आया कि नहीं हमें भी मेंटेन करना है, हमें भी ये पासपोर्ट बनाना है। दूसरा पासपोर्ट किसी काम का नहीं है, यही पासपोर्ट काम आएगा इम्यून सिस्टम का। तो इसे कहते हैं मनी इज़ वेरी लाउजी मीन्स ऑफ जजिंग ए पर्सन। इंसान को पासबुक से नहीं इम्यून सिस्टम के पासपोर्ट से पहचानो। तो यहाँ के वो इम्यून सिस्टम का पासपोर्ट बिल्कुल फिट बैठता है। और जो लोग आज इसमें शामिल नहीं है उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? शामिल नहीं है वो इनसे सीखे और सीखें, इनसे कुछ सीखें, और वो भी जो है अपने आप को जो है तैयार करें, फिट हों, कफन बांधें और शुरू हो जाएं, कमर कसें और शुरू हो जाएं। अगर वो नहीं शुरू होंगे तो नुकसान उन्हीं का है, नुकसान उन्हीं का है। तो हम बात कर रहे थे सुरेश बोरी जी से, इन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया है और कहीं ना कहीं हम अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं उसका इन्होंने एक बड़ा मंत्र दिया है। अभी के लिए इतना ही, विरार से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।